नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें प्रधान नरेश शास्त्री ने बताया कि सरकार जिस तरह से सफाई कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार कर रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना वजह सफाई कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। शहर में सफाई व्यवस्था का जो कार्य करवाया जा रहा है उसमें भी सफाई कर्मचारियों पर प्रेशर डाल कर करवाया जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए 14 और 15 दिसंबर को टूल डाउन और पेन डाउन करके सरकार का विरोध किया जाएगा। अगर सरकार इससे भी नहीं समझती है तो 4 फरवरी को रोहतक में होने वाले सर्व कर्मचारी संघ की रैली में भी हिस्सा लेकर सरकार का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के कर्मचारी मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ भी विरोध करेंगे। यदि सरकार हमारी इन सभी मांगों को पूरा नहीं करती है तो इसका विरोध आगे भी बढ़ाया जाएगा। और क्या कहा नरेश शास्त्री ने, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। सरकार की वायदा खिलाफी, हठधर्मिता और तानाशाही के खिलाफ प्रदेश के पालिका परिषद निगमों के कर्मचारी 14-15 दिसंबर को टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल करने जा रहे हैं। लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका कर्मचारी संघ ने अग्निशमन व जल वितरण विभाग को इस हड़ताल से बाहर रखा है और सरकार ने हमारे 3480 सफाई कर्मचारियों की गुरुग्राम में छटनी की है। उनके अलावा और भी पालिका परिषदों में छटनी की गई है, उनको नौकरी पर वापस लेने, गुड़गांव में झूठे मुकदमे और उत्पीड़न की कार्रवाई जो कर्मचारियों के खिलाफ आंदोलन के टाइम की गई है वो वापस ली जाए। फरीदाबाद से जो हमारे संदीप तलवार जेई राजहट की भेंट चढ़े हैं उनकी नौकरी खत्म कर दी गई है, उसको ड्यूटी पर वापस लिया जाए। माननीय हाईकोर्ट द्वारा फरीदाबाद के दैनिक वेतन भोगी बेलदार माली इलेक्ट्रीशियन और आपके पंप ऑपरेटर हेल्पर जो हैं उनको पक्का करने के आदेश किए हैं, उनको लागू किया जाए। और 37 सफाई कर्मचारी जिसकी अभी सफाई अभियान के तहत मौत हो गई उसके परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और पक्की नौकरी दी जाए। इसके अलावा जो सरकार से हमारे समझौते हैं 29 अक्टूबर 22 और 5 अप्रैल 23 का उसको लागू किया जाए। पक्की भर्ती करने के लिए सरकार एडवर्टाइजमेंट करे, खाली पदों को पक्की भर्ती से भरे, नए पद सृजित करे और 1327 फायर के कर्मचारियों को सृजित पदों पर समायोजित करे। और अगर नहीं करेगी तो हम इस लड़ाई को और तेज करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ द्वारा 4 फरवरी को रैली रोहतक में की जानी है। नगर पालिका परिषद और निगमों के अग्निशमन के कर्मचारी हजारों की संख्या में उसमें भाग लेंगे और सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को और तेज करेंगे।